आप देख रहे हैं अधूरी आस। शास्त्री नगर भट्टा बस्ती पहुंची है अधूरी आस की टीम। तालीम और रोजगार है एक बड़ा मसला। नशे की लत, गरीबी, बेरोजगारी भी है बड़ा मसला। इलाके के बाशिंदों को गहलोत हुकूमत से है काफी उम्मीदें। आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के शास्त्री नगर भट्टा बस्ती इलाके में और जानेंगे यहां पर रह रहे अकलियतों के क्या है मसले मसाइल। अधूरी आस की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अकलियतों के मसले मसाइलों से जुड़े खास प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के शास्त्री नगर के करीब भट्टा बस्ती इलाके में। दस से पंद्रह हजार आबादी वाले इलाके में 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इलाके में ज्यादातर बाशिंदे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। इलाके में रोजगार और तालीम एक बड़ा मसला है। नौजवान कौम मेहनत मजदूरी करके घर चलाती है, तो बच्चों में आज भी तालीम की काफी कमी दिखाई देती है। इलाके में मुफलिसी होने की वजह से क्राइम रेट काफी बढ़ा हुआ है। जब इलाके में अधूरी आस की टीम पहुंची तो पता चला कि गहलोत हुकूमत आने के बाद अब इस इलाके में हालात कुछ बेहतर हुए हैं और काम होने लगे हैं। अब काम होंगे और शायद इस बार पूरी होगी इनकी अधूरी आस। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ रह रहे अकलियतों के हालात। पूरी उम्र बीत गई, अभी तक पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। वो भी आते हैं, नेता आता, पार्षद आता, कोई भी आता, कोई कुछ भी नहीं करता। हम ये कहते हैं, हम पानी की बहुत परेशानी, हमसे पानी नहीं भरे जाता है। आज इतने बुढ़ापा आ गया, मैं पानी भरते भरते खास लाएंगे हम दूर से। ये परेशान रहते हैं बेचारे मर्द, तो क्या करें, मजदूरी करते हैं सारा दिन। और ये बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही सही, बच्चों के लिए मदरसा वगैरह चाहिए। इस कार से उम्मीद है कि बच्चों का हम जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों के आगे से वो मिले, इनको गोलअप चिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिले। सरकार से कोई भी नहीं है हमें लाभ। वैसे तो ये इलाका शहर के बेहद करीब है, लेकिन सीवर और सड़कों के हालात बेहद खराब हैं। पानी और बिजली की भी इस इलाके में बहुत ज्यादा कमी है। इलाके के बाशिंदों का कहना है कि हुकूमत के नुमाइंदों को मसले से कई बार रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन फिलहाल किसी किस्म की राहत नहीं मिली है। We'll be right back.
जयपुर का शास्त्री नगर भट्टा बस्ती वो इलाका है जहां पर बहुत सी अकलियत आबादी रहती है, और अकलियत आबादियों की क्या है मसले मसाइल, यही जानने के लिए अधूरी आस की टीम आज पहुंची हुई यहां पर। जानते हैं यहां के बाशिंदों से और बात करते हैं कि क्या है उनकी परेशानियां। अच्छा, आप यहीं रहते हैं इस इलाके में, यहां पर आपको सबसे पहले बताइए कि हुकूमत सरकार की ओर से दी जाने वाली कितनी सुविधा आपको मिल रही है? अच्छा, कोई सुविधा नहीं मिली किसी। सबसे पहले हम बात करें तालीम की, बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ाई करने जाते हैं? जाते हैं साहब। अच्छा, तो क्या सरकार की हुकूमत की ओर से मिल रही है तालीम की? कुछ भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। बात की जाए पानी की, बिजली की, तो उसका क्या हाल है? सर पानी तो मिल रहा है, एक टाइम पानी मिल रहा है, तो मिल रहा है, एक टाइम 15-20 मिनट पानी आता। अच्छा, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। पानी की भी समस्या है, तो पानी बराबर नहीं दे रहे। अच्छा, और कोई साफ सफाई वाले नहीं आते, पैसे कट जाते हैं। अच्छा, और साफ सफाई करने वाले बिल्कुल नहीं आते? साफ सफाई लोग करते हैं, कोई दिन आते कोई दिन नहीं आते। अच्छा, अभी देख लो आपको सामने ही सारा एरिया, सारी नालियाँ साफ नहीं होती, कभी पूरी नालियाँ बंद पड़ी है यहाँ पर। तो क्या मसले हैं यहाँ के इलाके में, क्या बड़े मसले हैं? गरीबों को, सारे गरीबी के हिसाब से कुछ ही नहीं है। रोजगार को लेकर? रोजगार है ही नहीं। अच्छा, रोजगार की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, आप बताइए क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम तो ये कचहरी है ना, क्या कहते हैं ना, कब्रिस्तान अलाट कर दिया है इसको। अच्छा, मतलब ये है कि ना हम लोगों की जितने हैं ना 14 झोपड़ियाँ हैं ये, इससे है ना कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है ना, कोई है ना ये है ना क्या कहते हैं ना कोई है ना क्या कहते हैं ना वो पूछताछ नहीं है ना कोई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई है ना यार हमें उठावें आसानी से, तो हम उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पट्टा वगैरह सारी चीज़ है ना काट कर प्लाट दे दें, ये समस्या हमारी दिया ना क्या कहते हैं ना कबरा रोजगार का, तो देखो ना क्या कहते हैं रोजगार है ना क्या कहते हैं ना रोजगारों की समस्या चौतरफा ही हो रही है बेटा। आप क्या बता रहे हैं? हम मकान की बता रहे हैं भाईजान, मकान चाहिए हमारे को, तो एक एक मकान में रहते हैं हम सब लोग, हमारा मकान देखो आप कितने कितने से है, एक एक कमरा है, एक एक कमरा। कितने लोग हैं? हम 5-6 जने लोग हैं एक कमरे में, कमरे में 6 लोग रहते हैं। हमारे को मकान की जरूरत है, और दूसरी बात है पानी कम आता है बहुत, पानी की सुविधा तो होनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन में भी कुछ कमी नजर आ रही है, साथ ही यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि उनको घर मिले, घर नहीं है उनके पास में, पीछे कब्रिस्तान है इस इलाके में, और कब्रिस्तान से जुड़े हुए ये 14 फैमिलीज यहाँ पर रह रही है, उसके अलावा पीछे और बस्ती है। इनका कहना है एक कमरे के अंदर एक परिवार का रहना बहुत मुश्किल होता है, उसके साथ ही जो तालीम है उसको लेकर के यहाँ पर बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसको लेकर के भी बात उठ रही है। आगे और जानते रहेंगे इस इलाके में, इस बस्ती में और क्या है मसले मसाइल। किरकिर है जिसकी कोई याद नहीं, बहुत ज्यादा किरकिर पानी पीने पर आ रहा है। पानी नहीं आता, गंदा पानी आ रहा है, बहुत बेकार पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और आप 15-20 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा पानी नहीं आता, पानी की बहुत किल्लत है। पानी की दिक्कत है यहाँ पर, ना कोई पार्षद आता है ना कोई विधायक आता है हमारे यहाँ पर, और पानी का टैंकर आता है, पानी के टैंकर में आधा टैंकर आता है आधा टैंकर नहीं आता है। आता एक टाइम पानी आता है, वो भी कम, आधा घंटा एक घंटा आता है। यहाँ पर ये परेशानी है, एक तो पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, और यहाँ पर जितने भी रोड टूटे हुए हैं आप पोजिशन देख सकते हैं यहाँ की, और इस पोजिशन को देखते हुए यहाँ का अतिक्रमण भी देखिए आप, यहाँ पर कोई निगम का अधिकारी कोई ऐसा आकर के खड़ा नहीं होता कभी कि यहाँ कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखिए रिक्शा खड़े हैं, इधर चारों तरफ ये हालत कर रही है, ये देखिए ठेले लगे, इनका कोई ध्यान देने, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है ना। इलाके में नशे की और जुए की लत ने ज्यादातर नौजवान आबादी को घेर रखा है। इलाके में चरस, अफीम, गांजा, कोकीन जैसे नशे आम बात है। पुलिस ने कई दफा इस पर शिकंजा भी कसना चाहा,
लेकिन फिलहाल कोशिश नाकाम ही दिखाई देती है। अधूरिया से बात कर रहे हैं जयपुर शहर के भट्टा बस्ती इलाके की और जान रहे हैं यहाँ पर रह रहे बाशिंदों से उनके मसले मसाइल को। यहाँ पर बहुत से जो बाशिंदे हैं वो मौजूद हैं, अपने अपने मसाइल बता रहे हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं बताइए। यहाँ से ही कहना चाहते हैं कि मस्जिद तक पूरा रोड खराब है, कोई सुनवाई नहीं है, आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, पानी गटर भर जाते हैं, पूरे गटर भर जाते हैं, रोड पर बहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। तो किसकी आपने किसी से दरख्वास्त लगाई? अजी खूब कह चुके हैं हम लोग, सबसे कह चुके हैं, आखिरकार चुप लगा गया। आपके विधायक हैं अभी मौजूदा समय में, उनको कहिए आप। कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता, सिर्फ वोट लेने के लिए सब आते हैं, बाकी पीछे उसके बाद में कोई नहीं आता। यहाँ से लेकर ठेठ तक इंचार्ज साहब भी आए, मीटिंग भी हुई, लेकिन अधिकरण हटा ही नहीं। अधिकरण की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है मसला आपके यहाँ? पानी का तकलीफ है यहाँ पे, पानी की तकलीफ है। क्या पानी टाइम से नहीं देता है? अच्छा। और उसके बाद में यहाँ पे रास्ते भी खराब हो चुका है बहुत। अच्छा। वो भी नहीं बन पाया अभी तक। अच्छा। सड़कों की भी तकलीफ है? कोई नहीं, हमारी मस्जिद के सामने कोई सुनवाई नहीं। मस्जिद? हाँ बताइए। पानी की इधर बहुत तकलीफ है, कच्ची बस्ती के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं बुरी तरह से। अरे देख लो, सुबह के टाइम पे आता है सिर्फ 15 मिनट पानी, और वहाँ पे बर्तनों की भीड़ लग जाती है और लोग बाग परेशान होते हैं। जिनके नल नहीं है उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है, जिनके नल नहीं है मतलब कि पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और भीड़ के अंदर भर नहीं पाते हैं पानी, और पानी इधर टाइम से नहीं दिया जा रहा है। पहले दोपहर में शाम को भी देते थे पानी 3 बजे, आपको 3 बजे वाला तो बंद कर दिया, और अपने 9 बजे सुबह देते हैं, वो भी लेट तक कोई आ जाए तो आ जाए, थोड़ा बहुत पानी लोग भर पाते हैं। पानी की बहुत परेशानी है, हर तरह की परेशानी है। रोड की तो सबसे ज़्यादा परेशानी आने जाने में, तो आने की पानी की परेशानी है, रोड की परेशानी है। तो इसको लेकर किसी से शिकायत की? सब तरफ जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं करते हैं। आ रहा जनाजे के लिए बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे आने में। यहाँ पे एक तो कोई पेशाब घर बना हुआ नहीं है जनाजे के लिए, ना कोई वजूखाना बना हुआ है। यहाँ जो भी था जो अतिक्रमण में गया सब, यही रोड सही होना चाहिए बस, और ये पेशाब घर बन जाओ। बिल्कुल, यहाँ पर इलाका एक है लेकिन परेशानी बहुत सारी है, और इन परेशानियों में मुब्तला है यहाँ पर रह रही मुस्लिम आबादी। अधूरी आस में आगे भी जानते रहेंगे, फिलहाल वक्त तो चला है एक वक्फे का, और वक्फे के बाद भी जानते रहेंगे यहाँ पर रह रही मुस्लिम आबादी के और क्या मसले मसाइल हैं। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाज़रीन। अधूरी आस में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं हम जयपुर शहर के शास्त्री नगर इलाके भट्टा बस्ती की, और जान रहे हैं यहाँ पर रह रही मुस्लिम आबादी के मसले मसाइल को। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको सीधा शहर के बीचों बीच भट्टा बस्ती इलाके में।
ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। जरूरत है गहलोत हुकूमत की लाभकारी योजनाएं इस इलाके तक पहुंचे, ताकि बच्चे और नौजवान कौम पढ़ लिख कर कुछ बेहतर काम कर सके। बरसों से गरीबी मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे इस इलाके के बाशिंदों की अधूरी आस न जाने कब पूरी होगी। आस में आज हम बात कर रहे हैं जयपुर के शास्त्री नगर भट्टा बस्ती इलाके की। वही इलाका है जहां पर सबसे पहले जीका वायरस पाया जाता है। ये वही इलाका है जहां पर बहुत सारे परेशानियां मसले लेकर के लोग बात हुकूमत तक पहुंचते हैं। अभी बहुत कुछ यहां पर बदल रहा है, लेकिन यहां के लोगों से बाशिंदों से जब हमने बात की और जाना कि किस तरह के उनके मसले हैं मसाइल हैं, तो नई नई अलग अलग तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के बाशिंदों से। चाचा आप यहीं रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, क्या यहाँ पे आपके मसले हैं बताइए। सही है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा रोड डलवा दो और ये सीवर लाइन डलवा दो इस लाइन में। आपके इलाके में मैंने एक चीज़ आने के बाद देखी कि बहुत कुछ पहले से बदलाव है। रोज़गार नहीं है। क्या करते हैं यहाँ पे ज़्यादा कर? चक्की का काम करता था, अभी बाईपास सर्जरी कराई हुई है, एक महीना साल भर हो गई। अच्छा, तो काम नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा, कोई काम है। अच्छा, तो उसकी है। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे खड़े हैं। आप क्या करते हो भैया, क्या करते हो आप? ड्राइवरी करते हैं जी। तो यहाँ पर आपकी उम्र के ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो सब यही काम करते हैं अलग अलग? सब मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं जी। पढ़ाई लिखाई कितनी है? पढ़ाई लिखाई यहाँ है ही नहीं सर। क्या रीज़न है उसका? अब आप कुछ भी समझे चक्कर में, तो या कमाएं खाएं या भी पढ़ाई लोग बाग करें, इसी हिसाब से रहते लोग बाग यहाँ। हुकूमत सरकार की ओर से जो योजनाएं होती है क्या वो मिल पाती है आप लोगों को यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, तालीम की बात हो गई, रोज़गार आप बता रहे हो खुद करना पड़ता है, उसके अलावा क्या परेशानियाँ आपकी इस इलाके में? परेशानी यही है लोग बागों की, यहाँ पे कोई किराए से है, किसी के पानी नहीं आ रहा। अच्छा, ये बिल्कुल पानी की जब बात की जाती है तो महिलाओं से बात की जाती है, औरतों से, खातिनों से बात की जाती है। अम्मा आप यहीं रहते हैं इसी इलाके में? पानी नहीं आता क्या? नहीं यार, कम आवा पानी। पानी कम आता? कम आवा। अच्छा। थोड़ी देर 10 मिनट भी आ जाए, 15 मिनट भी आ जाए, आधा घंटे भी आ जाए, कभी कम आवा पानी। अच्छा, सरकारी डिस्पेंसरी है आपके इलाके में? है सरकारी डिस्पेंसरी, ऑक्सी बोर्ड में है। अच्छा, वहाँ जाते हैं दिखाने के लिए? अच्छे हैं डॉक्टर? हाँ, ना समझाए कि ये दवाई ऐसे है, ये ऐसे, कान की दवाई लिख दी बाहर से ले लो। अच्छा। हाँ, एलर्जी की दवाई बाहर से ले लो, फिर क्या रोने गए उसको? काउंटर में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। अच्छा। एक घंटे दो घंटे तो लंबा लगे और कोई दवाई नहीं दी। बाहर के लिए बाहर से ले लो, जब सरकारी क्यों बनाया? बाहर से लेते तो हम कहाँ जाते, परेशान होके आगे दे दिया। भाई हमें समझा दे, आप समझ लो पर्ची दे के हम पढ़े हुए हों तो समझेंगे ना, अनपढ़ कैसे समझेगा। और देखो तो बिजली के बिल तो देखो, इतने इतने बिल भी है, गरीब आदमी धंधा तो है नहीं, बिल कहाँ से जमा करा। 12-12 हजार के बिल आ रहे हैं, 8-8 हजार के बिल आ रहे हैं, कच्ची बस्ती में है पानी की परेशानी, महीने की मैंने बिल जमा करा रहे हैं, हर चीज की परेशानी है गरीब आदमी को। तो कहाँ से देंगे गरीब आदमी, 6-6 महीने के बिल भी जा रहे हैं। यानी अस्पताल जाते हैं तो मुसलमानों पे ध्यान ही देते हैं, वहाँ इसमें इसमें दिन गए जांच कराने, दिन को ले रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बिल ज्यादा आ रहा है पानी का? बहुत ज्यादा पानी का, लाइट का, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर जो खातिनें हैं उनका कहना है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी की भी थोड़ी किल्लत है, और रोजगार एक बड़ा यहाँ पर इशू है जो कि कोई भी हुकूमत को भी सुलझाने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि ये आज का इशू नहीं है, बहुत पुराना इशू है। अभी की जो नौजवान पीढ़ी है यहाँ पर, वो सब कोई टैक्सी चला रही है, कोई ऑटो चला रही है, और तालीम के हालात यहाँ पे बद से बदतर है। ऐसे में ज़रूरत है कि हुकूमत की ओर से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की ओर ध्यान दिया जाए।
अधूरी आस के आज के हमारे खास एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके के अक्रियतों के मसले मसाइल को। इसी के साथ हमने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ की आबादी, यहाँ के बाशिंदों का यही कहना है कि उन्हें रोज़गार चाहिए। यहाँ पर तालीम की कमी है और तालीम की कमी आज से नहीं है, बहुत पहले से है। हुकूमत को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर रह रही अक्लियत आबादी को तालीम मिल सके और तालीम मिलने के बाद में वो बेहतर रोज़गार भी पा सकें। फ़िलहाल यहाँ पर रह रही मुस्लिम आबादी के पास में काम नहीं है और काम नहीं है उसकी वजह से इस इलाके में गरीबी है और ये वही इलाका है जहाँ पर बहुत तेज़ी से कोई भी बीमारी भी फैलती है तो यहाँ पर बहुत सारे मसले भी खड़े हो जाते हैं। बहुत सेंसिटिव एरिया है और ऐसे में देखते हुए हुकूमत की ओर से इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और गली मोहल्ले किसी और इलाके में उनके मसले मसाइल को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।